गुरु नानक देव जी की 554वीं प्रकाश पर्व के अवसर पर दुर्ग गुरुद्वारा में सत्संग के साथ भव्य लंगर का आयोजन किया गया। यहां सभी वर्गों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। गुरु नानक देव जी की आज देश भर में जयंती मनाई जा रही है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। आज ही के दिन गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया जाता है। सभाओं में गुरु नानक देव द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है। गुरुद्वारों में आज ही के दिन सेवा और भक्ति का संगम चलता ही रहता है। इसी कड़ी में दुर्ग के गुरुद्वारा में भी सत्संग कीर्तन के साथ ही भव्य लंगर का आयोजन किया गया। इस लंगर के आयोजन में सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुरु नानक जयंती के एक हफ्ते पहले सिख समाज भिलाई दुर्ग के द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गुरुद्वारों में हो रहे लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। सभी ने पंच प्यारों की अगवानी दिल से की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। ये सिख सिर्फ सिख धर्म के गुरु नहीं, ये सारे धर्मों के गुरु हैं। आज हम यहाँ पे 6 से 7 हज़ार संगत यहाँ लंगर शक्ति है, हर साल मनाया जाता है ये गुरुपुरब। बाहर से रागी जत्थे बुलाए जाते हैं, स्त्री सत्संग की बीबियाँ भी कीर्तन करती है। बहुत धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूर्व की लख लख बधाई हो। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।